ट्रेन से सफर करने वाले लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के दिल की धड़कन है। एशिया का सबसे बड़ा ये नेटवर्क हर रोज लाखों करोड़ों लोगों को सटीक समय पर उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। जरूर आपने भी कई बार इस ट्रेन के सफर का मजा लिया होगा, लेकिन क्या कभी आपको ये ख्याल भी आया कि बड़े जोर शोर से पटरी पर दौड़ती ये ट्रेन बनती कैसे है? इसके सभी पार्ट्स को आखिर असेंबल कैसे किया जाता है? कोच, रेल व्हील और इंजन को अलग अलग तैयार करके आखिर साथ में कैसे लगा के पूरी ट्रेन तैयार कर दी जाती है? चलिए आज भारतीय रेल के तैयार होने की पूरी प्रोसेस हम आपको बताते हैं और ये भी बता देते हैं कि आखिर इसे तैयार कहाँ किया जाता है। हमारे देश के विकास में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हाथ है। एक दौर था जब भारत रेल इंजन विदेशों से खरीदता था, लेकिन आज हमारा देश इंजन तो क्या पूरी ट्रेन को असेंबल करने में सक्षम है। जी हाँ, आपको रोज कम खर्च में सफर करने वाली ये ट्रेन भारत में ही असेंबल होती है। इसे बनाने और जोड़ने का जिम्मा भारत की कुछ कंपनीज पर होता है। वैसे बता दे कि एक ट्रेन को बनाने में कई चीजों का ख्याल रखा जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के कई चरण होते हैं। फुल स्केल डिजाइन ट्रेन मॉडल से लेकर कोच के डिजाइन और असेंबल तक कई चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है, लेकिन इन्हें जोड़ने से पहले कोच, पहिए और इंजन को बनाया जाता है। ट्रेन में मजबूत पहियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। रोज रफ्तार से दौड़ने के लिए इनका परफेक्टली काम करना जरूरी होता है, इसीलिए इसे बनाने की प्रोसेस भी आसान नहीं होती है। ट्रेन के पहिए को बनाने के लिए सबसे पहले रॉड को बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें ब्लेड से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इन्हें मैग्नेट्स की मदद से मूव करके कंडक्शन में रखा जाता है। कंडक्शन के अंदर रॉड 15 मिनट में गर्म हो जाती है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से मूव करके दूसरी कंडक्शन मशीन में रखा जाता है। ऐसा रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि इन्हें परफेक्ट शेप और साइज दी जा सके। इस प्रक्रिया के बाद रॉड को बाहर निकाल कर एक आर्म में रखा जाता है, जहाँ एक भारी भरकम प्रेस रॉड को आकार देने का काम करती है। लगातार दो बार प्रेस करने से रॉड पहिए की परफेक्ट शेप में आ जाते हैं। खैर, अभी काम खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे रोलर प्रेस की मदद से पहियों को प्रेस किया जाता है, ताकि वह पटरी पर चलते हुए अपने ग्रिप बनाकर दौड़ सके। पहिए को एक शेप देने के बाद बारी होती है उसके बीच के हिस्से को काटने की। इसके लिए पहियों को दूसरी रोलिंग प्रेस मशीन पर रख दिया जाता है और उसके बीच के हिस्से को काट दिया जाता है। इसके बाद पहियों की लंबाई को नाप कर उन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहियों के नॉर्मल टेम्परेचर पर आते ही उन्हें एक परफेक्ट डायमेंशन में लाने के लिए उनकी रिम और एजेस पर काम किया जाता है। मशीनरी की मदद से जब पहिए सटीक आकार में आ जाते हैं, तब इन्हें टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्टिंग में पहियों का आकार और क्वालिटी अच्छी होती है, तो उन्हें तैयार करके ट्रेन के साथ असेंबल करने के लिए अगली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। पहियों के बाद अब बात करें इंजन की, तो ट्रेन में इंजन का अहम हिस्सा होता है। इसी के दम पर ट्रेन रफ्तार से दौड़ पाती है। इन इंजन को प्राइम मूवर भी कहते हैं। वैसे बता दे कि ट्रेन में लगे इंजन बहुत बड़े और टेक्निकल होते हैं, जिनमें 16 सिलेंडर्स, 32 वॉल्व और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख सीसी तक का डिस्प्लेसमेंट होता है। इंजन के अलावा कोच ट्रेन का वो हिस्सा होता है जिसमें बैठकर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये सवाल कभी किसी के जहन में नहीं आता कि आखिर इन्हें तैयार कैसे किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जबकि इसके इंटीरियर हिस्से को बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। दरअसल कोच को बनाने के लिए बड़ी बड़ी शीट्स को जोड़ा जाता है। इस काम में मैन पावर भी काफी लगती है। सबसे पहले डब्बों के सभी हिस्सों को अलग अलग तैयार किया जाता है। जब इसकी एक बॉडी तैयार हो जाती है, तो उन्हें साथ में असेंबल किया जाता है। भारत में रेलवे कोचेस बनाने का काम 1955 से पेराम्बूर, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में होता है। यहाँ रेल डब्बों की मैन्युफैक्चरिंग के हर हिस्से पर काम होता है। इनके मॉडल से लेकर बॉडी असेंबली और टेस्टिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। जब कोच की बॉडी तैयार होती है, तो उसे पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। साथ में उनके इंजन को भी तैयार किया जाता है। बता दे कि इस दौरान ट्रेन के डब्बों में विंडोज और बॉडी भी फिट की जाती है। अब बारी आती है ट्रेन के सभी हिस्सों को असेंबल करने की। इसके लिए स्प्रिंग लगाकर एक बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाता है, जिसमें ऊपर ट्रेन का ढांचा होता है और नीचे पहियों को सेट किया जाता है। ध्यान रहे, ट्रेन के मॉडल के हिसाब से पहियों को चुना जाता है। पहिए लगाने के बाद इसमें केबल्स के सारे काम को अंजाम दिया जाता है, साथ ही इसके इंटीरियर को भी जोड़ा जाता है। सीट से लेकर टॉयलेट, कैबिन और एयर कंडीशनिंग की सारी इक्विपमेंट्स को लगाया जाता है।
आपने देखा होगा कि ट्रेन कई फंक्शंस और सॉफ्टवेयर्स पर काम करती है। उन सभी सॉफ्टवेयर्स को भी ट्रेन में असेंबल किया जाता है। इस काम में मैन पावर का काफी इस्तेमाल होता है। ट्रेन को असेंबल करने के बाद उसे फिनिशिंग दी जाती है। इंटीरियर को चमकाने से लेकर बाहर की बॉडी को भी परफेक्ट बनाया जाता है। और इसके बाद बारी आती है टेस्टिंग की। आपको बता दे कि सबसे पहले ट्रेन में लगाए गए स्टैटिक फंक्शंस को टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ लो स्पीड में इसके डायनेमिक टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाता है। कंप्यूटर के जरिए भी ट्रेन के सभी इक्विपमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। फैक्ट्रीज में ट्रेन को असेंबल करने की ये प्रक्रिया जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक सफल और जिम्मेदार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाना आसान नहीं है। भारत में ये काम कुछ कंपनीज को सौंपा गया है। इसमें सबसे पहला नाम रेल व्हील फैक्ट्री का आता है, जो कि भारत के बैंगलोर में स्थित है। इस फैक्ट्री में रेल के व्हील्स एक्सल्स बनने से लेकर रेल रोड वेगन्स, कोचेस और लोकोमोटिव्स बनने तक का काम होता है। इसके अलावा जो कंपनी विशेष तौर पर ट्रेन की टेक्नोलॉजी को बनाने का काम करती है वो है भेल BHEL, यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आपको बता दे कि इंजीनियरिंग की फील्ड में इस कंपनी का एक बहुत बड़ा नाम है। ये कंपनी एक सरकारी संस्था है जिसे 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था। भारत में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की फील्ड में भी भेल एक बहुत बड़ा नाम है। इंडियन रेलवे के विकास में भी इसका एक बड़ा योगदान है। इन्होंने रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक इंजन और लोकोमोटिव बनाने में भी काफी काम किया है। ट्रेन को बनाने और असेंबल करने का काम मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली भी करती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद ये फैक्ट्री खास तौर पर रेलवे कोच के प्रोडक्शन का काम संभालती है। यानी कि जिन रेल डब्बों में हम बैठते हैं वो इस फैक्ट्री में भी तैयार होते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रेन के सभी उपकरण को बनाने और साथ में जोड़ने की प्रक्रिया काफी पेचीदा है। इसकी हर एक बारीकी पर काम किया जाता है जिससे आपको एक सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल पाता है। ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग की ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।